हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल एंड वेलकम टू द चैनल ECLE, एवरीबॉडी कैन लर्न इंग्लिश। स्वागत है आपका ECLE के। और आज हम पढ़ने वाले हैं बॉर्न टू हैव। हमने इस वीक में लगभग बॉर्न टू बी की प्रैक्टिस भी की है, मिक्स प्रैक्टिस भी की है कल की क्लास में, और आज हम बॉर्न टू हैव पढ़ेंगे। बॉर्न टू हैव बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है। कुछ चीज़ें मुझे भी सीखने मिली हैं बॉर्न टू हैव से, जो नई चीज़ें हैं वो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बनी रहिए और बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बॉर्न टू हैव पे। ओके, और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटी वाला बटन दबा सकते हैं। ओके, सो बिना टाइम किए हम देखते हैं वॉन्ट टू हैव पे। ओके, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, किसी भी चीज़ की हम पहचान देखते हैं। ओके, सेंटेंस में। ओके, तो इसकी पहचान है जो पास होने का जो सेंस है। सेंस मतलब जो भाव होता है उससे हम क्या बोलते हैं, चाहता है, चाहती है और चाहते हैं। ओके, सो अगर हम पहचान देखा तो वॉन्ट टू हैव में सो पास चाहता है, चाहती है और चाहता है। इसका मतलब ये पास चाहता है, पास चाहती है, पास चाहती है। लेकिन ये तो दिख रहा है पास चाहता है, लेकिन हम इसका सेंस आएगा पास होने का, पास होने का सेंस आएगा जो हमारे पास पास है या भाव आएगा। ओके, आए समझ में। कुछ फिजिकल रहेंगी, कुछ अलग चीज़ रहेंगी। जैसे ज्ञान है तो ज्ञान सबके पास होता है, लेकिन फिजिकली रूप से दिखता तो नहीं है कि भाई ये ज्ञान है, नहीं दिखता है ना ऐसा ही। और एक और की पहचान है चाहिए। क्या है चाहिए, मैं बता दूँ सेंटेंस में ऐसे वाला चाहिए। सर मुझे पेन चाहिए, मुझे पेन चाहिए, उसे कपड़े चाहिए, मुझे पेन चाहिए, उसे कपड़े चाहिए। मतलब ये भी क्या है, पास चाहता है। आपने सोचा, आप सोच रहे हो इस शूट से ही बन सकता है, एज सोच यू एल इस शूट से, ये शूट से मेरे हिसाब से नहीं बन सकता है। शूट से ये चाहिए का सेंस बनेगा। ओके, चाहिए हम पास चाहिए, सर मुझे कपड़े चाहिए, तुम्हें पेन चाहिए, हमें पेन चाहिए, बोर्ड चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो क्या चाहिए का पास चाहिए। ओके, तो हम ऐसे भी हम बना सकते हैं वॉन्ट टू हैव वाले सेंटेंस में, और चाहता के भी सेंटेंस आएगा इसमें। ओके, तो ये स्ट्रक्चर है इसकी, जो इसके स्ट्रक्चर ही बहुत क्या है, अलग है। इसकी क्या है स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बता दूँ, यह थोड़े से अलग है। और अब दो प्रकार से इसके स्ट्रक्चर है, लेकिन हम एक ही प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे। ओके, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। ओके, तो जैसे मैंने लिखा कि मुझे किताब चाहिए, मुझे किताब चाहिए, क्या चाहिए, मुझे किताब चाहिए, उसे मोबाइल चाहिए, उसे मोबाइल चाहिए। चाहिए का सेंस आ रहा, देखो ध्यान रखना इसमें नाउन ज़्यादा, नाउन है एडजेक्टिव, उसे किताब पेन चाहिए। ओके, वह मोबाइल चाहता है, ऐसे ही बना सकते हैं, वह मोबाइल चाहता है या चाहिए। ओके, वह मोबाइल चाहता है। तुम क्या चाहते हो, तुम ज्ञान चाहते हो, क्या बना सकते हैं, तुम ज्ञान चाहते हो, तुम ज्ञान चाहते हैं। बच्चे खिलौने चाहते हैं, बच्चे खिलौने चाहते हैं, क्या चाहते हैं, बच्चे खिलौने चाहते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 लगभग हमने 5 सेंटेंस हमने एग्जांपल के तौर पर लिखे हैं। आपको और ज़्यादा सेंटेंस को आपको बनाना है। ओके, तो हम फ्रॉम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं वॉन्ट टू हैव के। ओके, यह लर्निंग है, आपको कोई रटाने का काम नहीं हो रहा है, तो आप ये सोचिए कि अलग अलग सेंटेंस नहीं बता रहा हूँ, तो यह क्या लर्निंग है। लेकिन मैं फिर भी एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ कि जैसे तुम्हें कपड़े चाहिए, तुम्हें कपड़े चाहिए, या तुम कपड़े चाहते हो, मैं सम्मान चाहता हूँ, मैं सम्मान चाहता हूँ। ओके, या मुझे सम्मान चाहिए, मैं सम्मान चाहता हूँ, ये भी बना दो, मैं सम्मान चाहता हूँ, सम्मान। ओके, सम्मान चाहता हूँ, मैं सम्मान चाहता हूँ, या हम सम्मान चाहते हैं। ओके, तो हम रिस्पेक्ट बनाते थे। ओके, तो स्ट्रक्चर ये देख लो ध्यान से, ये स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि अभी तक इंटरनेट पे जो यूट्यूब की मैंने बहुत सारी वीडियो भी देख दी इस टॉपिक को बनाने से पहले, और मैंने गूगल पे भी सर्च किया, तो मैंने ज़्यादातर ऐसा स्ट्रक्चर देखा है। मतलब सेंटेंस देखिए, जैसे मुझे किताब चाहिए तो क्या है, आई वॉन्ट अ बुक, ऐसे वाले देखिए। लेकिन ये सेंटेंस भी सही हो सकते हैं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे परफेक्ट लगता है कि यस इट कैन बी परफेक्ट, ये परफेक्ट हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए जो स्ट्रक्चर है वो मैं अलग से बताऊंगा। ये अलग स्ट्रक्चर है, आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है। ओके,
क्योंकि आपको समझ समझ के सेंटेंस को आपको बनाने हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर देखते हैं ध्यान से, किससे बना है, चलो इससे बना लेते हैं, ब्लू से बना लेते हैं। ओके, ब्लू से क्या थोड़ा अच्छा दिखता है वीडियो में। ओके, तो स्ट्रक्चर वही है कि हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड लिखते हैं प्लस बॉन्ड्स लिखते हैं। तो बॉन्ड और बॉन्ड्स आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, प्लस टू और प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव, क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या फिर एडजेक्टिव आएगा। सम्मान क्या है, सम्मान। ओके, तो नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, आपको ध्यान से देख लेना है। ओके, ध्यान से आपको देख लेना है। ओके, तो बॉन्ड टू हैव आएगा। ओके, जो 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 अलग बात है इसमें, मैंने हैव लगा दिया इसमें सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में जो क्या हैव है इसमें हैव है, लेकिन कहीं न कहीं में हैव नहीं मिलता है, सीधे लगते हैं ही वॉन्ट अ कार, ही वॉन्ट्स अ कार, आई वॉन्ट हैव अ बुक, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा परफेक्ट नहीं लग रहा है मुझे, इसलिए मैंने ये सोचा ये आपके लिए बेस्ट है। मैंने ऐसे ही पढ़ा है, कोई ऐसे ही पढ़ा है, इसलिए मैंने जैसा पढ़ा है जैसा मुझे बेस्ट लगा इसलिए मैं आपके लिए बना हूँ। ये भी आपका सही माना जाएगा, ये आपका गलत नहीं है, वो भी सही ये भी सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये परफेक्ट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल ओपिनियन। आपका जो भी ओपिनियन हो आप कह सकते हैं। बॉन्ड ऑफ बॉन्ड्स में देख लीजिए क्या है कि बॉन्ड किसके साथ लगता है, बॉन्ड्स किसके साथ लगता है, तो मैं आपको बता दूं कि ही सी और इट और सिंगुलर, जो पहली बार देख रहा है, ही सी इट और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं कि हम बॉन्ड्स लगाते हैं, और आई वी दे यू के साथ अगर सब्जेक्ट हो, आई हो, बी हो, दी हो, यू हो, तो हम सब्जेक्ट में तो हम बॉन्ड्स लगा देते हैं प्लूरल हो तो। ओके, और किसी का नाम हो सिंगुलर तो हम किसका यूज करते हैं, बॉन्ड्स का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, और अब नेगेटिव बोलते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस बॉन्ड प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। ओके, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड ऑब्लिक बॉन्ड्स प्लस टू प्लस हैव, ये हो गया नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डस प्लस बॉन्ड प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव। प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि मैं एक सेंटेंस को मैं 6 प्रकार से बनाना सिखाता हूँ ताकि अपने सारे सेंटेंस बनाना आपके क्लियर हो सकें। ओके, ऐसे देखते हैं नेक्स्ट वाला, देखते हैं थर्ड वाला, देखते हैं सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस बॉन्ड प्लस सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट डू डब्स प्लस बॉन्ड हो गया। ओके, प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव। ओके, ये अपना कौन सा सेंटेंस बन गया, ये अपना थर्ड बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले लेते हैं, डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ओके, प्लस बॉन्ड प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन ऑब्लिक एडजेक्टिव। एन फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, एन फॉर नाउन, ए फॉर एडजेक्टिव, जो पहली बार देख रहा हूँ। ओके, यहाँ टी कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन वर्ड वाला लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड मैंने बहुत सारे आपको सिखाए हैं, तो क्वेश्चन वर्ड डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट, ओके, प्लस बॉन्ड, ए आसानी से अपन लिख सकते हैं, प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन एडजेक्टिव, ये आपने लिख दिए हैं। ऐसे ए वाला देख लो, ए वाला डू ऑब्लिक डज वाले, ओके, प्लस सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लिखते हैं, वॉन्ट लिखते हैं। ओके, प्लस टू प्लस हैव प्लस नाउन प्लस एडजेक्टिव, नॉन ऑब्लिक एडजेक्टिव। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रक्चर है, आपका क्या है, स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के माध्यम से आप सेंटेंस को हम बना सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ फोकस ऑन द बोर्ड, और हमें ऐसे ही सेंटेंस आपको बनाने हैं। एक सेंटेंस को हम 6 प्रकार से बनाना सीखते हैं ताकि आपका बहुत सारा चीज़ें क्लियर हो। तो ये स्पोकन की पर्पज से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है, एक के 6 सेंटेंस बनाना। ओके, एक के 6 सेंटेंस बनाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ओके, तो बोर्ड की कमी है, तो यदि आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा सा। ओके, ताकि आप अपनी कॉपी में लिख सको, और कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। ओके ओके, तो थैंक्स फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट, हम इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर देख के ही सेंटेंस बनाना है, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर देख के ही सेंटेंस बनाना है। ओके, आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी है, आपको गलती नहीं करनी है, यू डोंट हैव टू मिस्टेक। ओके, अगर हम आप देखेंगे, अगर स्ट्रक्चर देख के बनाओगे तो आप आसानी से सेंटेंस को बना पाएंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस लेते हैं, पहला वाला, मुझे किताब चाहिए, क्या है, मुझे किताब चाहिए, फर्स्ट वाला सेंटेंस है, मुझे किताब चाहिए। ओके, तो कैसे बनाएंगे,
मुझे किताब चाहिए, मुझे किताब चाहिए मतलब पास चाहिए। तो मैंने बोला तो पास चाहने का सेंस होगा, सेंस होगा किताब हमने पास ही चाहेंगे ना। जैसे मेरे पास क्या है, ये डस्टर है, ये मेरे पास क्या है, डस्टर है ये, तो मैं डस्टर अपने पास ही चाहूँगा। जैसे मुझे डस्टर चाहिए मिटाने के लिए, तो मैं अपने पास पास लाएंगे ना, तभी तो हम डस्टर हम इसका यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो ये पास होने का सेंस है, मुझे किताब चाहिए, किताब चाहिए। ओके, हम कैसे बनाएंगे, आई वॉन्ट टू हैव बुक, आई वॉन्ट टू हैव बुक, ऐसे ही बना सकते हैं। आई वॉन्ट बुक, आई वॉन्ट अ बुक, तो ये भी सही है, लेकिन हम इसी से बनाएंगे वॉन्ट टू हैव, ये परफेक्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि पास होने का सेंस आएगा, आप समझ जाओगे। ओके, मुझे किताब नहीं चाहिए, मुझे किताब नहीं चाहिए, ज़रूरी थोड़ी है, नहीं चाहिए होगी ज़रूरत, तो कैसे बनाएंगे, आई डू नॉट वॉन्ट टू हैव बुक, आसान है ना, बिल्कुल आसान, इट इज़ वेरी इजी। क्या मुझे किताब चाहिए, क्या मुझे किताब चाहिए, क्या मुझे किताब चाहिए, तो क्या आएगा, क्या मुझे किताब चाहिए, क्या आएगा, डू आई वॉन्ट टू हैव बुक, डू आई वॉन्ट टू हैव बुक, बना लिया, बिल्कुल बना लिया। क्या मुझे किताब नहीं चाहिए, क्या मुझे किताब नहीं चाहिए, हो सकता ना ज़रूरत हो, तो हम क्या बनाएंगे, डू आई नॉट वॉन्ट टू हैव बुक, बन गया। ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना फिर सीखना है, रटना नहीं है, सीखना है। क्या मुझे किताब, इसे लेट से लिख रहा है तो लेट से लिखो, मुझे किताब कौन सी चाहिए, बोल सकते हैं, मुझे किताब कौन सी चाहिए, कौन सी, तो विच डू आई वॉन्ट टू हैव बुक, विच डू आई वॉन्ट टू हैव बुक, मुझे किताब कौन सी नहीं चाहिए, मुझे किताब कौन सी नहीं चाहिए, ओके, कौन सी किताब नहीं चाहिए, तो क्या आएगा, विच डू आई नॉट वॉन्ट टू हैव बुक। तो हर बार मैं क्या करता हूँ कि हर बार आपको मैं एक के छः सेंटेंस बनाना बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होते हैं और इसमें आपको कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होगी, कभी भी आपको कन्फ्यूज़ नहीं होगा। अगर एक के छः सेंटेंस बनाना आप सीख जाओगे सेंटेंस को, तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं हो सकती है। तो मेरे बोला चाहता है, चाहिए पास होने का सेंस आप बना सकते हैं हम, कि वह मोबाइल चाहता है या उसे मोबाइल चाहिए। ओके, तो मैं ये बनाता हूँ, उसे मोबाइल चाहिए तो क्या बनाएंगे, ही वॉन्ट्स टू हैव मोबाइल, उसे मोबाइल नहीं चाहिए, ही डज नॉट वॉन्ट टू हैव मोबाइल, क्या उसे मोबाइल चाहिए, डज ही वॉन्ट टू हैव मोबाइल, क्या उसे मोबाइल नहीं चाहिए, डज ही नॉट वॉन्ट टू हैव मोबाइल, उसे कैसा मोबाइल चाहिए, हाउ डज ही वॉन्ट टू हैव मोबाइल, उसे कैसा मोबाइल नहीं चाहिए, हाउ डज ही नॉट वॉन्ट टू हैव मोबाइल। आप ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैं बहुत आसानी से बता सकता हूँ। ओके, ऐसे ही बना लो, वह मोबाइल चाहता है, या हम तुम ज्ञान चाहते हो, कैसे बनाओगे, तुम ज्ञान चाहते हो, यू वॉन्ट टू हैव नॉलेज, तुम ज्ञान नहीं चाहते हो, यू डू नॉट वॉन्ट टू हैव नॉलेज, क्या तुम ज्ञान चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू हैव नॉलेज, क्या तुम ज्ञान नहीं चाहते हो, Do you not want to have mobile? Sorry, knowledge. तुम ज्ञान क्यों चाहते हो? Why do you want to have knowledge? तुम ज्ञान क्यों नहीं चाहते हो? Why do you not want to have knowledge? तो हम इस प्रकार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बच्चे खिलौने चाहते हैं, मैं सम्मान चाहता हूँ, आप इसी प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। ओके, यह जो सेंटेंस मैंने बनाए हैं, आपको हो सकता है बॉन्ड टू हैव में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो,
तो मैं इसका भी मिक्स प्रैक्टिस आपके बीच में लाऊंगा मंडे को, मैंने बोला है ओके, क्योंकि यह प्रैक्टिस अगर हम कर लेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा कन्फ्यूज़न उतना ही ख़त्म हो जाएगा, हमें उतने ही जल्दी सेंटेंस हम बना सकते हैं। एक सेंटेंस को हम मैं बता सकता हूँ 5 सेकेंड के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हो। और सोचो कि अगर कोई आप सेंटेंस 5 सेकेंड के अंदर ट्रांसलेट कर लो, 5 सेकंड के अंदर सेंटेंस बोलो, जैसे क्या तुम ज्ञान चाहते हो, डू यू वॉन्ट टू हैव नॉलेज, बना सकते हैं डू यू वॉन्ट टू हैव नॉलेज, 5 सेकंड के अंदर आपने ट्रांसलेट कर लिया। कुछ ही बनाओ, बीच में से कोई भी सेंटेंस डालो ओके। बच्चे खिलौने कैसे चाहते हैं, हाउ डू चिल्ड्रन वॉन्ट टू हैव टॉयस, बना लिया, बिल्कुल बना लिया। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना आप प्रैक्टिस करो उतना आप यूज़फुल होगा। कि आप एक बात सोच रहे होगे कि मैं स्पोकन की बोलता हूँ लेकिन स्पोकन क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो स्पोकन ही है, ये आपका सिलेबस है, एक प्रकार सिलेबस है कि आप इतना छोटे छोटे सेंटेंस के माध्यम से आप ट्रांसलेट कर सकते हो। उसका पहले आपको ट्रांसलेशन सिखाया जा रहा है, ट्रांसलेट कर सकते हो, फिर आप मैं कन्वर्सेशन बताऊँगा, स्टोरी बनाना सिखाऊँगा, तो आप अंग्रेजी सीख रहे हैं। आपके साथ बस पेशेंस होनी चाहिए, अगर आपको ट्रस्ट है, अगर मैं ज़्यादा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 5 वीडियो अगर ECLE के अगर देख सकते हो तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि यस यह मेरे लिए हेल्पफुल है। और ऐसे ही नहीं है, अगर स्पोकन के लिए नहीं, अकेले स्पोकन के लिए तो है, अगर जो सिंपल इंग्लिश है, जो अपने बच्चों की इंग्लिश देखी होगी, जो NCERT की बुक्स में या फिर जो स्टेट बोर्ड रहती है ना, जैसे MP बोर्ड है, मैं MP से UP बोर्ड है, तो वहाँ की इंग्लिश की बुक है, तो वहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो इसी प्रकार की सेंटेंस फ्रेमिंग रहती है, तो आप वो बहुत आसानी से समझ सकते हो। जब वो समझ जाओगे ना आसानी से आप, तो आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, तो आप ऑफकोर्सली आपको और इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश लर्निंग में, सीखने में। और स्पोकन तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही आपको ओके। तो स्पोकन की मैं सोच रहा हूँ कि इस वीक में, मतलब जो आने वाला जो वीक है, उसमें मैं कुछ कन्वर्सेशन करा पाऊँ आपके लिए, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा ओके। सो आज की क्लास हम इतना ही रखते हैं ओके। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ओके। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें ओके, अपने दोस्तों के साथ, और जिनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं वीडियो को, जिनको आप ज्ञान को स्प्रेड करना चाहते हो, तो आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ओके। मिलते हैं कल मतलब मंडे को, हो सकता है आपकी संडे स्पेशल वीडियो आए, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ ओके। मिलते हैं मंडे को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।